नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोकली के बारे में। ब्रोकली एक तरह की सब्जी होती है जिसे हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। यह सब्जी फूलगोभी प्रजाति की होती है। फूलगोभी उजली तो ये हरे रंग की होती है, लेकिन इसका स्वाद फूलगोभी से अलग होता है। ब्रोकली नाम इटालियन शब्द ब्रोकोलो से आया है, जिसका मतलब होता है गोभी के फूल की शिखा। ब्रोकली के अनेक लाभ हैं। इसके सेवन से शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है। ब्रोकली में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन ए और सी और कई अन्य तरह के पोषक तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ब्रोकली में मौजूद पोषक तत्व आपको हृदय रोग, आंखों की समस्या, पाचन की समस्या, मधुमेह की समस्या और इस तरह के अन्य समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति न होने से हृदय संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ब्रोकली में सेलेनियम और ग्लूकोसिनोलेट्स अधिक मात्रा में पाया जाते हैं। ये दोनों शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर आपके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर आप ब्रोकली नहीं खाते हैं तो इसे अपने डाइट चार्ट में डाल सकते हैं और ब्रोकली के फायदे ले सकते हैं। कैंसर होने के कई कारण हो सकते हैं और इसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ब्रोकली के सेवन से आप कैंसर से बच सकते हैं। ब्रोकली में सल्फोराफेन नामक यौगिक होता है जो कैंसर को होने से रोकने में अहम भूमिका निभाता है। वजन का बढ़ना और घटना यह आपके खान पान पर निर्भर करता है। ज्यादा तैलीय और बाहरी चीजें खाने से वजन बढ़ने की समस्या आम हो चुकी है। ऐसे में ब्रोकली के सेवन से बढ़ते वजन की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके चर्बी को घटाने में मदद करता है। लीवर में फैट के बढ़ने से लीवर से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। लीवर काम करना बंद भी कर सकता है। ऐसे में ब्रोकली में पाया जाने वाला सल्फोराफेन फैटी लीवर की समस्या से बचा सकता है। पोषण की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर होने लगते हैं और जब तक इससे संबंधित कोई बड़ी समस्या ना हो हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। ब्रोकली में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो आपकी हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आंखें हमारे शरीर का जरूरी अंग होती हैं और शरीर के बाकी हिस्सों की तरह इसे भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी आंखें कम उम्र में ही खराब हो जाती है। यहाँ तक कि बच्चों को भी चश्मे लग जाते हैं। ऐसे में उनके लिए ब्रोकली फायदेमंद साबित हो सकता है। भूलने की समस्या बच्चे हो या बुजुर्ग सभी को परेशान करती है। यह समस्या उम्र के बढ़ने के साथ साथ गंभीर होती चली जाती है और इस समस्या का इलाज भी ब्रोकली में छुपा है। ब्रोकली में विभिन्न तरह के विटामिन होते हैं और इसके सेवन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। इस कारण से ब्रोकली आपकी याददाश्त को मजबूत करने में सहायक होती है। गर्भावस्था के समय शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलना जरूरी होता है। अगर ऐसा ना हो तो होने वाला शिशु कुपोषण का शिकार हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था में ब्रोकली का सेवन करना गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक हो सकता है। मधुमेह के मरीज को कई चीजों का सेवन करना मना होता है क्योंकि इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मधुमेह की समस्या को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर आपको ब्रोकली खाने की सलाह दे सकते हैं क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व मधुमेह की समस्या को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। ब्रोकली आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। दरअसल ब्रोकली में विटामिन सी और सल्फोराफेन होता है जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके प्रयोग से त्वचा से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अब ब्रोकली से जुड़े कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आप जरूर जानें। ब्रोकली का अधिक मात्रा में सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसके कारण पेट की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को ब्रोकली से एलर्जी हो सकती है। गर्भावस्था में ब्रोकली का सेवन कम मात्रा में करें, अधिक मात्रा में इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हम आशा करते हैं कि ब्रोकली से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।